मैं बार बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो रुद्रम पॉइंट आप देख रहे हैं, जो रुद्रम पॉइंट टर्म जो सड़क है, कभी बारिश पड़ता है यहाँ पर रोड वैसे ही खराब हो जाता है। और प्रशासन को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं प्रशासन कुपकर की नींद पे सोए हुए बार बार जगा रहे, सुनते ही नहीं है। ऐसा क्यों है नहीं है कि ये रोड कितने गांवों को यहाँ से जुड़ता है, और देख ही रहे हैं आप रोड का खस्ता हाल है। और देखो दूसरी बात, देखो जी अब सेफ सीजन आ रहा है यहाँ पर, अब देखो जी हमारा देखो सेफ सीजन एक साल में एक सेफ सीजन आता है जो हम इसी से गुजारा करते हैं, जो साल में एक ही बार ही फसल आता है। अगर वो भी अगर हम रोड अगर सही होगा तो तभी हम उसको मंडियों तक पहुंचाएंगे। वैसे भी कोरोना की वजह से हम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम अगर रोड सही हुआ तभी हम मंडियों तक पहुंचाएंगे हम सेब। तो अगर बारिशों में अगर अब सेब सीजन की बात, बारिश ही आ गया तो देखो ये रोड का हालत ही पूरी हालत की, जो हम गाड़ियों को भी नहीं पहुंचा पाएंगे मंडी पे। वैसे भी कोरोना की वजह से वैसे ही हालत खराब है। तो प्रशासन को हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो रुद्र पॉइंट जो रास्ता है आप दिख रहे हैं, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। धन्यवाद। ये जो रुतुरिंग में जो हमारा कच्छम से छितकुल रोड के बीच जो रुतुरिंग जगह है, यहाँ पर जो स्लाइड पोर्शन है, इसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और आने वाले समय में बरसात शुरू होने वाला है, और उसके बाद जो है तो इसके ऊपर से इतने बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। और हर दिन जब भी बारिश होती है, कम से कम भी 3-4 फुट मलबा वहाँ इकट्ठे होने लग जाता है, और कई कई मरतबा सड़क बंद हो जाता है, जिससे यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी बनाएं, या फिर सरकार के इस इंतजारी में जो कोई बड़ी त्रासदी हो जाए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और सरकार क्या इसके इंतजारी में, तो यहाँ के लोगों का भी सरकार से हमेशा आग्रह रहा है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की।